हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम हिंदी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आपके पास प्राग या प्रागैति। तो इसमें आपको सही ऑप्शन कमेंट करके बताना है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसका क्या करें विच्छेद करेंगे तो प्राग प्लस ऐतिहासिक बनेगा। तो यहाँ आपका प्राग उपसर्ग का यूज हुआ है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि तुलसीदास किसकी कविता है। हरिवंश राय बच्चन की, मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि जो तुलसीदास कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। बहिधनकार, बहिधनस्कार, बहिर्धन आकार प्लस बहिर्धन आकार। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, और कमेंट करके ये भी बताना है कि ये संधि कौन सी है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहि प्लस कार क्या बन जाएगा? बहिष्कार बन जाएगा, और ये आपका विसर्ग संधि है। तो ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की, रामधारी सिंह दिनकर की, या श्रीधर पाठक की। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। वैदेही वनवास आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, यानी इन चारों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पखावस, पहिया, लिखावट, या मझधार। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि जो पहिया शब्द है ये क्या है, हमेशा पुल्लिंग यूज होता है, पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ एक गद्यांश पढ़ने के लिए दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि 36 से 37 तक के जितने भी प्रश्न है आपको इन्हीं को पढ़ के, इसी गद्यांश को पढ़ के देने हैं। तो यहाँ दिया होगा कि स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास में निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता, तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। इसके बाद अब क्वेश्चन पूछा गया कि संप्रेषण कला क्या नहीं है, यानी आपने इसको पढ़ लिया, अब आपको बताना है कि संप्रेषण कला क्या नहीं है। ऑप्शन आपके पास प्रभावशाली भाषा, अलंकरण, आत्मविश्वास, या विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी ऑप्शन क्या है? नहीं है। बाकी के यहाँ सब दिए हुए हैं। यहाँ देखिए दिया भी हुआ है कि क्या है, संप्रेषण कला है, स्पष्टता है, आत्मविश्वास, ये सब क्या है, ये आपकी संप्रेषण कला के अंतर्गत आती, संप्रेषण कला का विकास किया था। तो यहाँ पास सभी आ जाएंगे, लेकिन अलंकरण आपका नहीं आएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि संप्रेषण कला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अनायास से, अभ्यास से, भाषण से, विषय की अच्छी पकड़ से। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, कि संप्रेषण कला का विकास कैसे होता है, अभ्यास से होता है। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 37 नंबर का। 37 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, कि संप्रेषण कला का जो विकास होता है वो अभ्यास से होता है। फिर आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, त्र या छ या ज्ञा। तो जो त्र होता है वो ता और रा से मिलकर बना होता है, छ क और सा से मिलकर बना होता है, ज्ञा ज और इया से मिलकर बना होता है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, कि जो या है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी के तीनों संयुक्त व्यंजन है, और किससे मिलकर बने ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपसे पूछ रहा है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, बहुब्री, द्विग, कर्मधारय, या द्वंद्व। तो राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, बहुब्री समास हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी अलंकार में जिस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उसे आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास अलं, अल, अल या अलम। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि इसमें अलम धनकार यानी अलंकार, ये मा क्या अंग बन जाएगा। तो यहाँ आपका व्यंजन संधि यूज हुआ है, और ये आपका अलंकार किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें अलम का प्रयोग हुआ है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पदपाच दीजिए, यानी यह सब यह पुस्तक किसकी में किसकी है। इस स्टेटमेंट में जो यह है वो क्या है, रेखांकित शब्द है, तो वही आपको बताना है कि ये कैसा रेखांकित शब्द है। गुणवाचक विशेषण एक वचन या सार्वनामिक विशेषण, एक वचन स्त्रीलिंग या सर्वनाम, एक वचन स्त्रीलिंग या संबोधन अव्यय। तो कमेंट करके बताइए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि यह क्या एक सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन और स्त्रीलिंग के रूप में ये यूज हुआ है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपके आपसे पूछा कि विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा, यानी विश्लेषण शब्द जो है उसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण या विभाजित। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो विश्लेषण शब्द का विलोम होगा वो हो जाएगा संश्लेषण। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं, मूर्धन्य, कंठ, दंत या अनुनासिक। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, यानी जब ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से जिन शब्दों का उच्चारण होता है उन्हें हम कहते हैं, सॉरी, जिन वर्णों का उच्चारण होते हैं उन्हें हम कहते हैं दंत्य वर्ण, जैसे कि ता वर्ग के होते हैं, ता था, दा था। तो ये सब क्या, जीभ जब ऊपर टच करती है दांतों को तो तब ये वर्ड निकलती, ये क्या निकलती है, ये वर्ड निकलते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो पूछ रहे हैं कि उष्म व्यंजन कौन से हैं, च छ ज स ख स या अ ब स या य र ल। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। या राला अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, चाचा जा क्या होती है, स्पर्श संघर्षी होते हैं, उष्म व्यंजन स ख श हो जाएंगे, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि अत्यधिक का विलोम क्या होगा, अत्यधिक मतलब अधिक मात्रा में है तो इसका विलोम हो जाएगा जो कम मात्रा में होगा। तो ऑप्शन है अंधिनत, अत्यल्प, अत्याधिक या अंधहीन। तो राइट ऑप्शन बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अत्यल्प यानी जो कम मात्रा में हो, यहाँ भी ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि रित का विलोम क्या है, विकीर्ण, अनृत, वक्र या अनैक। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि रित का विलोम हो जाएगा अनृत। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है कि सकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए, यानी सकल्प शब्द में जो उपसर्ग का यूज हुआ है उसे आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास सन, सम, सक या सनक। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, यहाँ आपका सम उपसर्ग का यूज हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या है, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या अन्य। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, इसमें भाववाच्य हो जाएगा। तो बोला मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इसमें भाववाच्य है तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा और आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, यानी इनमें से तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल सही नहीं है, लुनाई लावण्यता, लौंग लवंग, आंत अंत या आयुष आदेश। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ए और सी दोनों हो जाएंगे, इसमें ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी आंत का अंत नहीं होता और लुनाई का लावण्यता नहीं होता, तो यहाँ आपका ए और सी दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन के बिहाफ पे सही हो जाएंगे, तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन देखते हैं। सब पूछा है कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, स्कंदगुप्त की रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र ने की थी, ये गलत है, स्कंदगुप्त की रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नहीं की थी, यानी इस क्वेश्चन के बिहाफ पे ये वाला सही हो जाएगा, पहले ही पता चल गया, फिर भी हम बाकी के तीनों रीड कर लेते हैं। तो कह रहा है कि संस्कृति के चार अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बिल्कुल सही है। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना, ये भी सही है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, ये भी सही है। लेकिन स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की रचना, बिल्कुल सही है। परिमल, गीतिका, अनामिका, ये सब क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की रचनाएं हैं। शिवराज भूषण की रचना, शिवराज भूषण भूषण की रचना, ये भी एकदम सही है। शब्द रसायन देव की रचना, ये भी एकदम सही है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद की रचना, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद की रचना नहीं है, तो इसलिए ये जोड़ा सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है,
पहला है आर्यों का आदिदेश डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है, तो सही है या गलत है? ये सही, एकदम सही है। आर्यों का आदिदेश डॉक्टर संपूर्णानंद की ही रचना है। वोल्गा से गंगा राहुल सांत्यायन की रचना, ये भी एकदम सही है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना, ये भी एकदम सही है। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की रचना, ये गलत है। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहले हाँ मेरा यही विचार है, वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है, उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो इसमें बताइए कौन सा गलत हो जाएगा आपका? यहाँ जो आपका ए है ये सही हो जाएगा, यानी उस क्वेश्चन के बिहाफ पे अशुद्ध है। यहाँ पास क्या होना चाहिए? कॉमा होना चाहिए, हाँ मेरा यही विचार है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन के बिहाफ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछे कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? सनातन, चितरंजन, शाश्वत या अधुनातन? तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये अधुनातन भिन्न अर्थ का है, और बाकी की जो प्रकृति और अर्थ है वो सेम है, मिलती जुलती है, लेकिन अधुनातन की नहीं मिलती, इस वजह से इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन या सनातन? तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राचीन सही हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द होता है प्राचीन, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विभीषण, विरहणी, ग्रहणी या जगत गुरु? तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो व्याकरण की दृष्टि से विरहणी जो शब्द लिखा हुआ है ये अशुद्ध है, बल्कि जितने तीनों अलग हैं ये सब सही है। विभीषण सही है, ग्रहणी सही लिखा हुआ है, जगत गुरु सही लिखा हुआ है व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन विरहणी सही नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन के बिहाफ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपसे क्या है, आपसे युग्म पूछ रहा है कि कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, बिल्कुल सही बात है। लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना, ये भी एकदम सही लिखा हुआ है, यानी सही मीनिंग लिखी हुई है। सब्जबात दिखाना, हरा भरा करना, ये गलत है। सब्जबात दिखाना मतलब होता है किसी को लालच देकर बहकाना, तो इस वजह से इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगी, सही मैच नहीं है। माई का लाल साहसी व्यक्ति, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि मेरी भव भाता हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुए। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? सिलेश अलंकार है, अनियोक्ति अलंकार है, यमक है या रूपक है? तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ सिलेश अलंकार यूज हुआ है, तो 58 का ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? बहुब्रीय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विग? तो सबसे पहले समास विग्रह कर लीजिए, जब समास में आपका ना आए तो गौशाला यानी गायों की शाला, जब काकी के यूज हो तो वहां तत्पुरुष होता है, तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर उसके लिए पूछ रहा है कि देशभक्ति में कौन सा समास है? समास है, तो सबसे पहले समास विग्रह कीजिए। देशभक्ति का समास विग्रह क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति, के लिए वर्ड किसमें यूज करते हैं हम? तत्पुरुष में यूज करते हैं, काकी के लिए, ये सब तत्पुरुष में यूज होते हैं, इस वजह से यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, हमने क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस किया है लास्ट ईयर का, तो एग्जाम की दृष्टि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ इस चैनल पर आपको सभी टाइप की वीडियोस मिलती रहेंगी स्टडी से रिलेटेड। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।